सामने बन रहा बेजी ने बस्ती का हस्ती रहो अगले भाई लोग अभी गलती लो मैंने बॉम्बे में मचाए गच्ची को इधर फायर हो गई दे गलती ब्रो सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका आप लोग न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज़ आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। और अगर गाइज अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन प्लीज़ से कर जरूर से कर लेना, ठीक है? तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गाइज आपको आना प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक है शेक इफेक्ट और एक है बीटमार प्रोजेक्ट, ठीक है? तो अब दोनों ही प्रोजेक्ट को इजीली डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रोजेक्ट का, ठीक है? तो इजीली डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा कि आपको जो है बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है? बीटमार प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का लिरिक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आगे में आपको जो है यहाँ पर बीट्स शो हो जाएंगे, ठीक है? फर्स्ट बीट की तरफ आना है यहाँ पर, ठीक है? आपको सिंपली फर्स्ट बीट की तरफ आना है, उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना और यहाँ से आपको अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? तो यहाँ से आप अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेना जहाँ पर भी आपका इमेज रहेगा, ठीक है? तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमने फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, ठीक है? और यहाँ से आप यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके आप इसको जो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो अपने फोटो को, ठीक है? कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर लेना और यहाँ से जो आप इसको थोड़ा जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। तो इसके बाद आपको फिर नेक्स्ट बीट पे आना है, यहाँ से अपने फोटो को ट्रिम करना है, ठीक है? फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर आपको अपना कोई एक इमेज को यहाँ पर फिर से ऐड कर लेना है, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना और यहाँ से फिर क्या करना, नेक्स्ट बीट पे आना और यहाँ से जिसको ट्रिम कर लेना, फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, फिर आप अपने कोई भी एक फोटो को सिलेक्ट करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, फिर नेक्स्ट बीट पे आकर इसको ट्रिम करना, फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना है और यहाँ से फिर आपको अपने फोटो को सिलेक्ट करना, ठीक है? और यहाँ से फिर से यहाँ से फोटो को ट्रिम कर देना, ठीक है? और कुछ इस तरह से जो है आपको अपने इमेजेस को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं जिस तरह से ऐड कर रहा हूँ आप भी बिल्कुल सेम इस तरह से अपने इमेजेस को यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है? प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, फिर अपने फोटो पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया करके यहाँ से ट्रिम कर देना, ठीक है? उसका फिर आपको आगे आना है, फिर यहाँ पर अपने फोटो पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना, फिर यहाँ से आकर ट्रिम करना, फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, तो सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना और यहाँ से इसको ट्रिम कर देना। तो कुछ इस तरह से गाइस आपको अपने इमेजेस को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है? तो इमेजेस को ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, बैक आना है, ठीक है? तो गाइस अब आपको क्या करना है कि आपको अपना शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, ठीक है? इसको आप जैसे ओपन करोगे आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आपको फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, ठीक है? उसके बाद आपको फिर से बैक आना है, फिर से बीटमार प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ से फर्स्ट बीट की तरफ आ जाना है, यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस फोटो पे क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है? कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको फिर से बैक आना है, फिर से शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे जाना और यहाँ से सेकेंड इमेज पे आना और यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। बैक आने के बाद आपको फिर से बीटमार प्रोजेक्ट पे जाना और यहाँ से आपको क्या करना है, अब जो हमने फर्स्ट इमेज में जो यहाँ पर इफेक्ट को ऐड कर दिया था उसका जो आपका सेकंड इमेज रहेगा इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना, ठीक है? तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर लेना। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक इमेज को छोड़ना है, फिर यहाँ पर एक इमेज में पेस्ट कर देना, ठीक है? फिर आपको आगे आना है, फिर एक इमेज को छोड़ देना है, फिर यहाँ पर एक इमेज में पेस्ट कर देना। तो कुछ इस तरह से एक एक करके यहाँ पर वन बाय वन करके आप इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है? यहाँ पर पेस्ट कर दिया, उसके बाद लास्ट में फिर यहाँ पर इस इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको फिर से बैक आना है, फिर से शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे जाना और यहाँ से जो आपका ये अब लास्ट इमेज रहेगा इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है, फिर से बीटमार प्रोजेक्ट पे जाना है और अब गाइस जो आपने इमेजेस को यहाँ पर छोड़ा था आपको वहाँ पर इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना, ठीक है? तो जैसे कि देख सकते हो थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना। उसके फिर आगे आना, फिर यहाँ पर जो है इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो जहाँ पर अपने छोड़ा था इमेज में इफेक्ट नहीं ऐड किया था वहाँ पर सिंपली अब इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना, ठीक है? तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया हो किस तरह से यहाँ पर सब इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो इस तरह से आप इफेक्ट को सबको पेस्ट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आसान है काफ़ी ज़्यादा इस तरह का एडिटिंग करना। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से बैक आना है, फिर से शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पर चल जाना है और यहाँ से अब आना है लास्ट में। जैसे देख सकते हो यहाँ पर ये दो लेयर दिख रहा होगा ऊपर में आपको, तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे इस पर सिलेक्ट करना है, दोनों लेयर को सिलेक्ट करना, प्लस पे क्लिक करना, कॉपी टू लेयर्स कर देना, ठीक है? उसके बाद बैक आना, उसके बाद बीटमार प्रोजेक्ट पे चल जाना और यहाँ से प्लस पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना। उसके बाद पूरा एंड तक आ जाना, उसके बाद ये दो लेयर को सिलेक्ट करना और यहाँ से पूरा एंड तक इसको ले आना। तो इस तरह से करने के बाद आपके फोटो में काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है?
तो इतना हो जाने के बाद आपको जाना शेयर वाले आइकन पे, क्वालिटी को सिलेक्ट करना, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते किसी नेक्स्ट न्यू एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।